बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू रॉयल एम्ब्रॉयडरी। मारिया बी D7 वेडिंग एडिशन, वन ऑफ द वेरी हिट कोड ऑफ दिस कैटलॉग, इज़ फाइनली इन स्टॉक। तो आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाते हैं। बिल्कुल सेम एज ओरिजिनल का आर्टिकल आपको दिखाया जाएगा, ओरिजिनल की तरह ही है। तो ये आ गया साथ में इसकी बॉक्स पैकिंग, और ये इसका इनले कार्ड आ गया साथ में। आप देख सकते हैं कि बटर पेपर है, और जिस तरह ओरिजिनल में पैकिंग दी गई थी सेम टू सेम वैसे ही दी गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली बेसिस पर हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। वेलवेट की शॉल के साथ ये आर्टिकल है, साथ में रॉ सिल्क की शर्ट दी गई है, और बनारसी जैकवाड का ट्राउज़र दिया गया है। तो ये आ गया जी इसका ट्राउज़र। सबसे पहले आपको ट्राउज़र इसका दिखा दें। नॉर्मली लोगों ने ये किया है कि इसके साथ जो है वो रॉ सिल्क का या ग्रिप का ट्राउज़र दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फ्लेयर इसका काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो इसी वजह से लोगों ने इसके अंदर डंडी मारने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल के साथ इसको देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ ओरिजिनल में दी गई है, हमने भी सेम वही फैब्रिक यूज़ किया है और वैसा ही ट्राउज़र दिया है। तो ये इसकी शर्ट का जो है वो फैब्रिक आ जाएगा। इसमें फ्रंट और बैक आपकी कवर होगी, प्लेन है। और इसके अगर मैं मेजरमेंट की बात करूँ तो ये रॉ सिल्क का फैब्रिक है, मेजरमेंट इसकी 4 गज़ है। और इसकी लेंथ की अगर बात की जाए तो लेंथ भी काफ़ी है, ठीक ठाक इसकी लेंथ है। 4 गज़ के अंदर आपको 2 गज़ का फ्रंट मिल रहा है और 2 गज़ की बैक मिल रही है। तो इसके हिसाब से ये माशाल्लाह बड़ा ही बेहतरीन और प्यारा इसका फ्रंट बनेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ओरिजिनल में था। और इसके बाद आएगी इसकी बड़ी खूबसूरत और प्यारी सी एम्बेलिश नेकलाइन आएगी। ये आप देख सकते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत और बेहतरीन इसके ऊपर जो है वो हैंड एम्बेलिशमेंट की गई है, और गम का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल जिस तरह ओरिजिनल में था सेम टू सेम वैसे ही नेकलाइन तैयार की गई है। वेलवेट का सीज़न है, प्लस जो है वो कलर बॉटल ग्रीन इस टाइम पर वैसे ही बहुत ज़्यादा इन है। तो हमने भी इसकी कोशिश यही की थी कि इसको जल्द अज़ जल्द आपके सामने लेकर आएँ। तो साथ में आ गया जी इसका दामन का पैच आएगा, और ये फ्रंट बैक का पैच जो है वो कम्प्लीट आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा बॉर्डर दिया गया है जितना ओरिजिनल के अंदर है। आपको पिक्चर से आइडिया हो ही रहा होगा कि जिस तरह ओरिजिनल के अंदर था सेम टू सेम वैसे ही इसका बॉर्डर दिया गया है। फ्रंट और बैक का ये बॉर्डर बनेगा, और इसकी मेजरमेंट भी जो है वो डेफिनेटली उतनी ही आएगी जितनी फ्रंट और बैक की है। मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। और वेलवेट के ऊपर जो है जो काम किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि थ्रेड वर्क है, इसमें जरी का काम है, और साथ में जो है वो सीक्वेंस भी यूज़ किया गया है। तो इंतहाई नफीस और इंतहाई उम्दा एम्ब्रॉयडरी के साथ वेलवेट की तो ओवरऑल लुक ही बहुत शानदार होती है। प्लस अब चलते हैं इसके खूबसूरत से स्लीव्स की तरफ। तो ये इसके रॉ सिल्क के ऊपर स्लीव्स आ गए। ये फैब्रिक जो ओरिजिनल में यूज़ किया गया था सेम वही है, और स्लीव्स पर भी आप देख सकते हैं कि 3D फ्लावर्स हैं, साथ में बड़ी ही प्यारी सी एम्बेलिशमेंट की गई है, साथ में सीक्वेंस का काम है। इसके बाद आएगा इसके स्लीव्स के ऊपर जो है वो वेलवेट के 2 पैचेज आएंगे, एक वेलवेट का पैच आएगा और साथ टोटली कटवर्क के साथ आएगा। ओरिजिनल में भी सेम टू सेम वैसे ही था, क्वालिटी आप देख सकते हैं, फिनिशिंग देख सकते हैं कि जिस तरह ओरिजिनल में थी सेम टू सेम वही फिनिशिंग और वही क्वालिटी हमने मेनटेन करने की कोशिश की है, और कलर स्कीम भी बिल्कुल वही रखी है। सूट बड़ा सिंपल सा है, बड़ा एलिगेंट सा सूट आपको दिखाया जा रहा है, बॉटल ग्रीन कलर है। इसके बाद आगे जी इसकी वेलवेट की शॉल आ गई, जिसके दोनों तरफ जो है वो पल्लू बने हुए हैं। एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हैं, उसकी फिनिशिंग और उसकी ओवरऑल लुक। तो एक आपको पल्लू ये देखें, ये दिखा दिया गया, ये आप पल्लू देखें। इसके बाद हम इसका क्लोजअप भी देखेंगे, और ये दूसरा पल्लू आ गया। अब इसकी एम्ब्रॉयडरी के क्लोजअप की तरफ चलते हैं। तो इसकी एम्ब्रॉयडरी और इसकी फिनिशिंग मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस तरह आपने ओरिजिनल में देखा है। डेफिनेटली जो लोग हमारी ओरिजिनल की वीडियो देख चुके हैं मारिया बी की, उनको आइडिया होगा कि किस मेयार की हम कॉपीज़ बनाते हैं। बिल्कुल डिटो कोशिश यही होती है कि जिस तरह ओरिजिनल में चीज़ दी गई है वैसे ही आपको प्रोवाइड करें। और वेलवेट की इसकी शॉल के साथ इसकी 4 साइड पट्टी जो है वो वेलवेट की दी गई है, और बड़ी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरीज़ है। साथ में जो है वो सीक्वेंस का काम आप देख सकते हैं, मैट सीक्वेंस इसके अंदर यूज़ किया गया है, और पैचेस की क्वालिटी, उनकी मेजरमेंट, उसकी लेंथ, विड्थ, हर चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें तैयार की गई हैं। तो ये इसकी ओवरऑल लुक है। दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये पैच छोटा नहीं है, कम्प्लीट पैच दिया गया है। अब इसके क्लोजअप की तरफ चलते हैं।
तो ये आप इसकी एम्ब्रॉयडरीज देख सकते हैं। कंप्लीट आपको थ्री पीस आर्टिकल दिखाया गया और बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल था। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।